हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में चिकन करी। बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम कम मसाले पड़े हैं इसमें और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कम टाइम में भी बन जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले चिकन को पहले वॉश कर लिया था और उसको मैंने रख दिया है। अब मैं यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ। मसाले में मैंने 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर है। इन सबको अच्छे से पानी में एक घोल बना लेंगे इसका। देखिए थोड़ा सा हम इसको पतला सा रखेंगे, इसका जो बैटर है, कंसिस्टेंसी है जो है, ताकि जो मसाले हैं जो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, सरसों तेल। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग जब भी चिकन बनाते हैं तो इसमें आलू का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हमारे यहाँ आलू खाना बहुत पसंद है चिकन के साथ, और आप भी ज़रूर खाइए एक बार, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आलू को क्या निकाल लेंगे एक प्लेट में, और तेल जो बचा है उसमें थोड़ा डालेंगे ज़ीरा, तेज़पत्ता, इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाए या फिर थोड़ा सा भी इसका कलर चेंज होने लगे तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। जब अदरक लहसुन का पेस्ट पक जाए, फ्राई हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे जो हमने पहले मसाले तैयार करके रखे थे उसको। अब मसाले को हमें धीमी आंच पे पकाना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर इसके तेल आने लगा है। अब इसमें मैं डाल दी हूँ हल्दी पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप को किया हुआ, थोड़े से नमक स्वाद के अनुसार। अब टमाटर को थोड़ा सा हम सॉफ़्ट होने देंगे और मसाले को धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, मसाले के ऊपर तेल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन को पहले मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया था। चिकन को डालने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। जो देसी चिकन होता है, विलेज स्टाइल जो चिकन होता है, उसमें मसाले बहुत कम ही पड़ते हैं, लेकिन जो उनका स्वाद होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग लिया है। इसको क्या करूँगी मैं, पीस लूँगी, क्योंकि जो देसी गांव विलेज स्टाइल जो चिकन होता है उसमें खड़े मसाले नहीं, सब चीज़ पीसा हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसका टेस्ट। अब इसमें डाल दिया मैंने फ्राई किए हुए आलू और पीसा हुआ गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिला के 5 मिनट और कुक करना है। अब देख सकते हैं मसाले एकदम परफेक्ट हैं, ना ज़्यादा है ना कम है। तो बस इतना ही हमें बनाना है, रेडी है हम।